रिपब्लिक भारत आपका पसंदीदा, आपका नंबर वन, भारत का नंबर वन न्यूज चैनल अब एक नए अवतार में। मैं पूरे प्रदेश के अंदर जाने का मुझे अवसर मिला है और जहां पर भी मैं गया हूं, लोग एक ही आवाज, एक ही बात बोल रहे हैं कि 25 मई को जब मतदान होगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो 11 के 11 कमल के फूल खिला करके आपकी झोली में डालने का काम ये हरियाणा प्रदेश के लोग दूसरी बार भाइयों 10 की 10 लोकसभा और एक विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, ये गरीब के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए ईमानदारी से काम किया है और युवाओं के लिए उनका विश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। किसान की मजबूती के लिए पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किया है। देश की समस्याओं का समाधान करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। आज पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है और देश के लोग बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार वोटे दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों आज विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, आज झूठ के सोए और झूठ बोल करके देश के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आज इस प्रकार का झूठ कांग्रेस के द्वारा, गमंडिया गठबंधन के लोगों द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को समाप्त कर देंगे। भाइयों पिछले 10 वर्षों में ये देश संविधान के अनुरूप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चला है और अगर संविधान को चोट पहुंचाने का काम किया है तो ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। 2019 के फरवरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू की, इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्ट्रवादी चैनल को कि एक साल के अंदर भारत का नंबर वन चैनल हो गया। उसके बाद कई लोगों ने मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश की, वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों, दोहराने की जरूरत नहीं। आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि रिपब्लिक भारत एशिया के सबसे बड़े न्यूज रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जितने मेरे शुभचिंतक हैं जिन्होंने सोचा था कि अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे, उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूं।